नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पे हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में सिंपल और ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाता हूं, और जितनी भी जानकारी इस चैनल में आपको मिलेगी वो सारी की सारी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। उस टॉप लेटेस्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जो कि डायरेक्टली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से ली गई है। सो दोस्तों, ऐसे ही हमारा आज का टॉपिक है विटिलिगो, जो सफ़ेद या फीके रंग के दाग हो जाते हैं शरीर के ऊपर, पैचेस हो जाते हैं, उस बीमारी के बारे में आज हम बात करेंगे कि वो क्यों होती है, कैसे होती है, उसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है, उसे ठीक करने का कोई तरीका है या नहीं, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि फिश मच्छी खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो पीने से ऐसा हो जाएगा, सफ़ेद दाग धब्बे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो आज हम ये सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों, ये जो सफेद रंग के या हल्के रंग के जो शरीर के ऊपर दाग हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं, ये बेसिकली इसे विटिलिगो कहते हैं। विटिलिगो एक ऐसी चमड़ी की बीमारी है जिसमें कि चमड़ी में जो कलर होता है वो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, वो लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि शरीर के अंदर जो मेलानिन नाम का ब्राउन ब्लैक कलर का पिगमेंट है, ये जो कलर आता है, ये आता है इसलिए क्योंकि हमारे चमड़ी के आसपास मेलानिन नाम के, मेलेनोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं, और ये मेलेनोसाइट्स जो हैं ये मेलानिन नाम का एक ब्राउन कलर का, कत्थई कलर का पिगमेंट बनाते हैं, कलर बनाते हैं, जो कि हमारे चमड़ी को ब्राउन ब्लैक या कलर देता है। जितना ज़्यादा पिगमेंट उतना ज़्यादा ब्राउन। इस पिगमेंट का, इस कलर का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य होता है कि आपकी चमड़ी के ऊपर जो सूरज की यूवी लाइट्स आती हैं, किरणें आती हैं, उसको वो अंदर नहीं जाने देती, उसे रोक देती हैं। यूवी, यूवे लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट्स को वो रोक देती हैं। तो जितना ज़्यादा आपके चमड़ी के अंदर ये ब्राउन कलर होता है, उतना ही आपकी चमड़ी जो है सन से प्रोटेक्टेड होती है, और जितने ज़्यादा आप सफ़ेद हो उतने ज़्यादा चांसेस हैं, उतनी ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव होगी। तो ये बात हो गई अलग। अब बात आती है कि भाई ये जो मेलेनोसाइट्स हैं, ये जो कत्थई कलर बनाने वाले सेल्स है, क्यों ऐसा हो जाता है कि कुछ जगहों पर ये सेल्स अपना काम करना बंद कर देते हैं? इस बीमारी का जो कारण देखा गया है, विटिलिगो का कारण ये है कि हमारे खुद के इम्यूनिटी, हमारे खुद के इम्यून सेल्स जो होते हैं, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। हमारा इम्यून सिस्टम जब भी किसी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु हमारे अंदर आता है, उसके खिलाफ अटैक करते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं, और ये एंटीबॉडीज उन बैक्टीरिया कीटाणु को मार देते हैं, और आगे चल के भी जब वो बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर आता है तो ये एंटीबॉडीज हमारे अंदर होते हैं, और यही एंटीबॉडीज बेसिकली वैक्सीन जो बनाते हैं उसके अंदर से भी बन जाते हैं। इसलिए आगे चल के भी जब जिस किसी बीमारी के लिए हमने वैक्सीन ले ली, तो आगे चल के अगर वो बीमारी हमारे अंदर प्रवेश करती है तो हमारे अंदर के एंटीबॉडी उसे मार देते हैं। पर कई बार क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ कीटाणुओं के स्ट्रक्चर, उनका जो शरीर की बनावट उनकी ऐसी होती है कि वो हमारे शरीर के कुछ हिस्सों से मेल खाती है, और इसीलिए हमारे खुद के शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, ये एंटीबॉडीज हैं, ये उन मेल खाते हुए हमारे शरीर के नॉर्मल ऑर्गन्स को भी जाके मार देते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे शरीर के मेलेनोसाइट्स के साथ हो जाता है विटिलिगो में। इसे हम ऑटो इम्यून प्रॉब्लम कहते हैं, जिसमें कि ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारे खुद की इम्यूनिटी हमारे खुद के शरीर को नुकसान दे रही है।
तो हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में से जो मेलेनोसाइट्स हैं, जो मेलेनिन बनाने वाले, ब्राउन कत्थई कलर बनाने वाले, पिगमेंट बनाने वाले सेल्स हैं, उनको मार देती है और वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए उस कुछ हिस्से में से कलर जो है वो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। इसलिए आपके शरीर में सफेद कलर के या लाइट कलर के धब्बे आ जाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि ये सिर्फ कुछ हिस्सों में होता है, कुछ में नहीं होता, इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है। दोस्तों, ये किसी भी उम्र में हो सकता है और ये कई दफा फैमिलीज में पाया जाता है कि फैमिलीज में चलता है कि आपकी फैमिली में किसी को हुआ है तो आपको भी होने के चांसेस हैं। तो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी, कुछ जेनेटिक कंपोनेंट भी है इसमें, जेनेटिक्स जीन्स भी इन्वॉल्व है। और इसके अलावा जिन लोगों को दूसरी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, ये जो बीमारी मैंने समझाई ऑटो इम्यून, हमारी खुद की इम्यूनिटी जाके हमारे नॉर्मल शरीर के ऑर्गन्स को मार देती है, शरीर के स्ट्रक्चर को मारती है, ऐसे इन कारणों की वजह से और कई तरीके की बीमारी होती है, जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम, थायराइड डिज, हाइपोथायराइड में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी जाके थायराइड ग्लैंड को, कई सेल्स को मार देती है। डायबिटीज भी कई बार इन वजह से होती है, परनीशियस एनीमिया, एडिसन्स डिजीज, ऐसी कई बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं। और ये देखा गया है कि जिन लोगों में ऑटो इम्यून डिजीज है एक आधी, उन लोगों में विटिलिगो का प्रॉब्लम ज्यादातर देखा गया है, क्योंकि उनके शरीर में टेंडेंसी है ऑटो इम्यून डिजीज होने की। अब देखा जाए तो विटिलिगो के क्या लक्षण हो सकते हैं। विटिलिगो के लक्षण हो सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो चमड़ी होगी उसमें कोई सूजन नहीं, फ्लैट, जैसे नॉर्मल चमड़ी होती है वैसे नॉर्मल स्किन के जैसा नॉर्मल फीलिंग वाली स्किन होगी, बस उसमें कलर नहीं होगा और कुछ पैचेस होंगे। और ये कभी कभी अचानक आ जाते हैं, कभी कभी धीरे 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 बनते हैं। और जो भी इसका बॉर्डर होगा, इसके जो एरिया होगी बॉर्डर होंगे अन ईवन होंगे, लेकिन इरेग्युलर होने के बाद वेल डिफाइंड होगा, हल्के नहीं होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं और डार्क होते हैं बॉर्डर्स। तो हमें पता होता है कि यहां तक डिस्ट्रॉय हुआ है, वॉर आगे नहीं हुआ। ज्यादातर ये दिक्कत जो है ये चेहरे पे, आपकी कोहनियों में, एल्बोज पे, आपके घुटने, नीज पे, आपके हाथ के पिछले हिस्से पे, पैरों पे, आपके जेनाइटल्स पे, इन सारे एरियाज पे ज्यादातर पाई जाती है, लेकिन कई दफा ये ज्यादातर पूरे शरीर में भी हो सकती है। और ये शरीर के दोनों तरफ इक्वली पाई जाती है, यहां होगा तो यहां भी होगा। ऐसे जिन लोगों के शरीर का कलर डार्क है, थोड़ा ब्राउन है, ब्लैक है, उन लोगों में ये ज्यादा आसानी से नोटिसेबल होती है, ज्यादा आसानी से दिखती है, क्योंकि ऑब्वियसली कंट्रास्ट होगा, एक जगह व्हाइट है दूसरी जगह एकदम ब्लैक है या डार्क है, तो कलर तो अलग अलग दिखेगा ही, इसलिए कंट्रास्ट की वजह से वो ज्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा और कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, वो स्किन उस तरीके, उस जगह की चमड़ी बिल्कुल नॉर्मल है, फंक्शन में भी और बाकी सब छोड़ के, कलर छोड़ के बाकी कुछ दिक्कत नहीं आता है। लेकिन ये कलर के वजह से भी साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है उस पेशेंट के मन में, दिमाग में, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमारे सोसाइटी की तरफ से उसको कई दफा कुछ गलत बातें सुनने को मिल सकती है। तो अब लेट्स टॉक अबाउट, अब सोचते हैं कि इसका कोई टेस्ट है, कोई डायग्नोसिस करने का टेस्ट है कि नहीं। इसका कोई बेसिक टेस्ट, मेजर टेस्ट नहीं है दोस्तों। कई दफा इस बीमारी को सिर्फ पेशेंट को देखने भर से ही कंफर्मेशन हो जाता है, लेकिन अगर हम चाहें कि भाई टेस्ट करना ही है तो एक वुड लाइट करके चीज आती है। वुड लाइट एक जैसे छोटी सी अल्ट्रावायलेट लाइट वाली एक वो होती है मशीन टाइप्स, उसको हम, उससे थ्रू हम अगर चमड़ी पे उसको रोशनी से देखे तो जिस हिस्से में पिगमेंट कम है वो हिस्सा जो है वो सफेद कलर की ब्राइट से चमकना लगेगा, चमकता है। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भाई अगर बहुत ही ज्यादा कम लाइट है तो हम देख सकते हैं कि भाई उस हिस्से में कहीं चमक तो नहीं रहा। इसके अलावा अगर हमें और भी बाकी के कारण रूल आउट करने हैं कि कहीं और किसी और कारण के वजह से तो ऐसा नहीं हो गया कि कलर निकल गया है, विटिलिगो ही है या नहीं, तो उसके लिए स्किन बायोप्सी लेनी पड़ती है।
चमड़ी की एक छोटा हिस्सा लेके उसका टेस्ट करना होता है। और उसके अलावा आपके डॉक्टर जो हैं दूसरी जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं उनके लिए टेस्ट कर सकते हैं, थायराइड का टेस्ट कर सकते हैं, दूसरे आपके हॉर्मोन्स का टेस्ट, आपके शुगर का टेस्ट और विटामिन B12 का टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट किए जाते हैं ये देखने के लिए कहीं आपको और भी कोई ऑटो इम्यून बीमारी तो नहीं है, क्योंकि एक है तो दूसरी हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, इस बीमारी को, सफेद पैचेस को, विटिलिगो को ट्रीट करना, इसको ठीक करना, क्योर करना बहुत मुश्किल है। जितनी जल्दी इलाज शुरू हो उतना बेहतर रिजल्ट मिलता है। एक इलाज है इसका जो फोटोथेरेपी जिसे कहते हैं, इससे हम बेसिकली उस हिस्से को, चमड़ी को बहुत ध्यान से डॉक्टर की देखभाल के तहत अल्ट्रावायलेट लाइट देते हैं। कई दफा इसे अकेले भी यूज किया जाता है, कई दफा हम आपको पहले दवा दे के फिर ऐसी अल्ट्रावायलेट लाइट दी जा सकती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट जहां भी होती है वो आपके शरीर के इन मेलेनोसाइट्स को स्टिमुलेट करती है मेलेनिन बनाने के लिए। इसीलिए आप जब धूप में जाते हैं तो आप टैन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ उस लोकल एरिया पे देना होगा, क्योंकि अगर आप पूरे हाथ पे, पूरे शरीर पे दोगे तो सारा ही हिस्सा ज्यादा टैन होगा, तो जो डार्क है वो और डार्क हो जाएगा, लाइट है वो थोड़ा बहुत डार्क हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कलर डिफरेंस तो है ही। लेजर से भी कई दफा ट्रीटमेंट होता है कि लेजर से हम इस स्किन में फिर से पिगमेंट डालने की कोशिश कर सकते हैं, ये भी एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हर ट्रीटमेंट हर एक में काम नहीं करता, इसलिए आपके डॉक्टर ज्यादा बताएंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट आप पे काम करेगा। कुछ दवाएं भी है जैसे कि स्टीरॉइड्स का क्रीम होती है, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स की क्रीम, कुछ इम्यूनिटी आपकी कम करने वाली क्रीम्स हैं कि उस एरिया में आपकी जो इम्यून सिस्टम, जो आपके मेलानोसाइट्स मार रहे हैं तो उनको कम करें, जैसे कि टैक्रोलिमस की क्रीम ऑइंटमेंट आती है, पेमिक्रोलिमस की आती है और कुछ और मेथॉक्सलीन के आती है। तो इन सब के क्रीम्स जो हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार ट्राई की जा सकती है। और अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो दूसरी नॉर्मल चमड़ी एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे ग्राफ्ट करी जा सकती है। और अगर सिर्फ छुपाने वाली बात है तो बहुत सारे कवर करने वाले मेकअप्स आते हैं, स्किन डाई आते हैं जिसमें स्किन कलर की जा सकती है, जैसे कि विटिलिगो जो है, कलर जो पैचेस हैं उसे मास्क किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई खास इलाज नहीं है। हाँ, अगर आपके शरीर के ज्यादातर हिस्सा अफेक्ट हो चुका है, सिर्फ थोड़े सा हिस्सा डार्क डार्क बाकी है, तो जो बाकी का हिस्सा डार्क बाकी है उसको भी डीपिगमेंट यानी उसमें से भी मेलेनिन निकाल दिया जा सकता है। और आपको लास्ट ऑप्शन ये होता है कि भाई ये परमानेंटली आपको जो है सफेद कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसका भी एक साइड इफेक्ट है, क्योंकि जितने सफेद आप हो जाओगे उतना ही आपकी स्किन धूप से सेंसिटिव हो जाएगी और स्किन जो है डैमेज हो सकती है, सन डैमेज हो सकती है, कैंसर के रिस्क स्किन के बढ़ जाते हैं। तो आपको जब भी धूप में जाना होगा, आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA UVB हाई SPF वाली सनस्क्रीन या सन ब्लॉक लगाना पड़ेगा, हर 2 घंटे 3 घंटे में लगाना पड़ेगा। प्लस जो लोगों को थोड़ी सी ये दिक्कत शुरुआत में भी है, वो लोग भी अगर सनस्क्रीन लगा के बाहर जाते हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे तो धूप से बाकी की जो नॉर्मल चमड़ी है वो और डार्क हो जाएगी, टैन हो जाएगी, और जो कम मेलानिन वाली चमड़ी है वो ज़्यादा नोटिसेबल, ज़्यादा आसानी से दिखेगी। बिकॉज ये भी देखा गया है कि कई दफ़ा ऐसी चमड़ी के अंदर मेलानिन्स जो होती हैं उनकी एक्टिविटी ख़त्म ही हो जाती है और वो डार्क नहीं होती जैसा हमने पहले बताया था। इसलिए हर ट्रीटमेंट हर एक पे काम नहीं करेगा। कई दफ़ा दोस्तों ऐसा भी होता है कि कुछ एरियाज जो हैं उनमें वापस कलर आना शुरू हो जाए बिना किसी ट्रीटमेंट के भी, और कई नए जगहों से कलर जाना शुरू हो जाए। काफी अनप्रिडिक्टेबल है ये बीमारी विटिलिगो, और वेरिएबल है, हर एक में एक जगह पे नहीं होगी, किसी में कहीं, किसी में कहीं होगी। अगर मान लीजिए आपके एरिया स्किन में आपने जाके पिगमेंट फिर डलवा लिया डॉक्टर से, उसमें भी ये गारंटी नहीं है कि ये जो पिगमेंट डाल दिया वो दूसरी चमड़ी से बिल्कुल मेल खाएगा। कभी वो थोड़ा लाइट हो सकता है, कभी वो थोड़ा ज्यादा डार्क हो सकता है ना, और समय के साथ ये फिर से लाइट हो सकता है, पिगमेंट लॉस हो सकता है।
इसीलिए दोस्तों इस बीमारी के बारे में अभी और रिसर्च चल रहा है। कई तरीके के लोग आपको कहेंगे कि हम इसे ठीक कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इस बीमारी का और कोई खास इलाज नहीं है। ऑटो इम्यून बीमारी है और कोई खतरा नहीं है, सिर्फ कलर का दिखने वाली चीज है, देखने वाला प्रॉब्लम है, मानसिक ज्यादा दिक्कत होती है, बाकी कोई इशू नहीं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। बाकी दिक्कतों के लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं कि आपके केस में और बेटर क्या इलाज है। सो ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहते हैं हमारे चैनल पे, आप जाके बहुत सारे वीडियोस हैं और भी कई टॉपिक्स पे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली NCR। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है, और बाकी के वीडियोस भी आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो बाकी के वीडियोस जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए क्योंकि तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। ऐसे ही कई वीडियोस हम लाते रहते हैं, डेली बेसिस पे वीडियोस आते हैं आपके पसंदीदा टॉपिक्स पे। अगर वीडियो आपको नहीं मिलता हमारे चैनल पे तो हमें ज़रूर लिखिए, हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। सो टिल नेक्स्ट टाइम, आई एम डॉक्टर परमजीत, देखते रहिए हमारा चैनल, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।